पिछले दिनों वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने कोर ग्रुप की एक अहम बैठक बुलाई। सूत्रों की माने तो उस बैठक में ये तय हुआ कि राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया अभी से शुरू हो जानी चाहिए। बैठक में यह भी तय हुआ कि सबसे पहले सीट दर सीट मजबूत दावेदारों की एक लिस्ट तैयार की जाए। एक सीट के लिए 5 से 7 नाम तक आ सकते हैं। इसके बाद हर सीट पर जमीनी सर्वेक्षण कर सबसे योग्य उम्मीदवारों नाम सामने लाया जाए। फिर 200 सीटों के लिए प्रत्याशियों की एक फाइनल सूची तैयार कर दिल्ली हाईकमान के पास भेज दिया जाए। वसुंधरा ने साफ कर दिया है कि वह हर सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगी। कहते हैं वसुंधरा ने अपने कोर ग्रुप की बैठक में खुलकर अपनी भावनाओं का इजहार किया है कि मैं हर टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश करूंगी और अंत तक हार नहीं मानूंगी। देवी ने 2 बार पहले भी मुख्यमंत्री बनाया है, 3री बार भी बना देंगी। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।